मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मैं आप लोगों का फिर से एक बार अपने YouTube चैनल एसए इंग्लिश क्लासेज में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कंजंक्शन इन स्पाइट ऑफ के बारे में, कहाँ पर इसका यूज करते हैं, इसके हिंदी क्या होती है, सेंटेंसेज में कैसे यूज करेंगे इसको। तो सबसे पहले जान लेते हैं इन स्पाइट ऑफ की मीनिंग क्या होगी। इसकी मीनिंग होगी के बावजूद। कहीं भी हमको ऐसे सेंटेंसेज बोलने की जरूरत पड़े जिसमें बीच में कहीं पर आए के बावजूद, जैसे बारिश होने के बावजूद वह विद्यालय गया। तो ऐसे सेंटेंसेस बोलने में हम इन स्पाइट ऑफ का यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन स्पाइट ऑफ लिखेंगे, उसके बाद वर्ब को आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव लिखेंगे, कॉमा करेंगे, उसके बाद दूसरा सेंटेंस लिखेंगे। एग्जांपल के माध्यम से बेहतर तरीके से समझते हैं इसको। जैसे बीमार होने के बावजूद वह दुकान गया, तो इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर हम वर्ब के आईएनजी फॉर्म या फिर एडजेक्टिव लिखेंगे इस तरह से, इन स्पाइट ऑफ इलनेस या बीमारी के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ इलनेस, इन स्पाइट ऑफ इलनेस बीमारी के बावजूद, कॉमा कर लेंगे, ही वेंट टू शॉप। In spite of illness, he went to shop. बीमारी के बावजूद वह दुकान पर गया। अगर वर्ब आएगा तो उसको आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से, वर्षा होने के बावजूद वह विद्यालय गया, या वर्षा होने के बावजूद वह विद्यालय गया, इस तरह से इन स्पाइट ऑफ रेनिंग, इन स्पाइट ऑफ रेनिंग, वर्षा होने के बावजूद आई वेंट टू कॉलेज। इन स्पाइट ऑफ रेनिंग, बारिश होने के बावजूद या वर्षा होने के बावजूद आई वेंट टू कॉलेज, मैं कॉलेज गया, या इस तरह से इन In spite of dehydration, in spite of dehydration, he played cricket. In spite of dehydration, he played cricket. डिहाइड्रेशन के बावजूद यानी थकान के बावजूद उसने क्रिकेट खेला। तो इस तरह से हम इन स्पाइट ऑफ का यूज करते हैं सेंटेंसेस में। वन मोर सेंटेंस, इन स्पाइट ऑफ कोल्ड, इन स्पाइट ऑफ कोल्ड दे स्विम इन द रिवर, इन स्पाइट ऑफ कोल्ड दे स्विम इन द रिवर, ठंडी के बावजूद वे नदी में तैरते हैं। इन स्पाइट ऑफ कोल्ड दे स्विम इन द रिवर, ठंडक होने के बावजूद या ठंडी होने के बावजूद वे कहाँ तैरते हैं, नदी में तैरते हैं। तो इस तरह से इन स्पाइट ऑफ का यूज करते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं, In spite of hot, I took a cup of coffee. इन स्पाइट ऑफ हॉट आई टू के कप ऑफ कॉफी, गर्मी होने के बावजूद मैंने एक कप कॉफी पिया। इन स्पाइट ऑफ हॉट आई टू ए कप ऑफ कॉफी, गर्मी होने के बावजूद मैंने एक कप कॉफी पिया। तो इस तरह से हम इन स्पाइट ऑफ का यूज करते हैं सेंटेंसेज में, जिसकी हिंदी होती है के बावजूद। तो जहां पर भी हमको के बावजूद यूज करना होगा हम इन स्पाइट ऑफ कंजंक्शन का यूज करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए,
फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।